श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6। इसका शीर्षक है प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। पिछले अध्याय में हमने सुना कि प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यपु ने जब ये देखा कि यह बालक तो भगवान विष्णु का भक्त है तो उनको मारने के तरह तरह के उपाय कर लिए। पहाड़ से फेंकवाया, अस्त्र शस्त्रों से मरवाने का प्रयास किया, जहर दिलाया, हाथी के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी प्रयास में वो सफल नहीं हो सके। इसके बाद एक बार फिर शंड और अमरक उनको अपने आश्रम में लेकर गए। और एक दिन की घटना ये है कि जब उनके ये दोनों गुरु वहाँ पर उपस्थित नहीं थे तो प्रहलाद महाराज ने अन्य असुर बालकों को जो कि उनकी बराबर उम्र के थे उनको बुलाया और उन्हें बातों बातों में उपदेश देना शुरू किया। यह उपदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का उपदेश है, जिसे जितना संभव हो सके हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कैसे इसको उतार सके। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे ना रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गवाना है। जो इसमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है जब तक रोग और शोक आदि से ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। और जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है तब अंत के 20 वर्षों में भी कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी ना पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं रहती हैं। जो बलपूर्वक पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह शक्ति है जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रह जाता। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक प्यारा है उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के साथ एकांत में रहकर
उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है। भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बंध चुका है और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है। भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों और पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, वो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसने मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा परिवार है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है, और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहां तो जहां जहां वह जाता है वहीं वहीं दैहिक, दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है, कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना सावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमह प्रधान गति प्राप्त होती है। जो कामिनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है और जिसने अपने पैरों में संतान की बीड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रयास से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदि देव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति है। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत बड़ा परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र उनकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, महत्त्व में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान है। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में है और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी है। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप, एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का
आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती? लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता? यों तो शास्त्रों में धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्मकांड, तर्कशास्त्र, दंड नीति और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सार्थक मानता हूं, अन्यथा ये सब के सब निरर्थक है। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बताया है, बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था, और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला दिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुंह से ही पहले पहल सुना था। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो न आप जानते हो और न हम, यही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ रहा है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के सप्तम स्कंद के अंतर्गत यह छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।